नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। सीएम ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान जनता दर्शन किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, अलकायदा ग्रुप के नाम से आया ईमेल, सचिवालय थाने में एफआईआर हुई दर्ज। पटना स्थित कार्यालय को उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल मिलने के बाद एटीएस ने शुरू की जांच। सीएमओ की सरकारी मेल आईडी पर 16 जुलाई को आया था मेल। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया पोस्ट, हरेली के उत्सव पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। एक पेड़ मां के नाम लगाने का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया पोस्ट, हरेली के उत्सव पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। बधाई में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए मोहित राठौड़, शहीद मोहित राठौड़ के परिजनों से सीएम ने की बात। हमारा बदायूं का एक ऐसा लाल जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिसने अपने प्राण न्योछावर किए, तो मैं कह सकता हूं कि उस मोहित राठौर नाम के उस शहीद के लिए आज हमारी सरकार ने 50 लाख रुपए का जो चेक दिया था उसे भी देने का काम किया है, और उसके घर जाकर के शोक संवेदनाएं और श्रद्धांजलि देने का काम भी किया है, और ढांढस बनवाने के साथ साथ उन्हें विश्वास दिया है कि भले ही उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कमी न खली। ये हमारी दोनों सरकार और हमारे सारे भाजपा के कार्यकर्ता की चिंता करेंगे, और इसी कारण से उनको 50 लाख का चेक जो हमने दिया है उसको देने के साथ साथ हमने एक उस शहीद मोहित राठौर की पत्नी को एक पट्टा भी जमीन का प्रशासन के अर्ज करा के दिया है, जिससे कि उसके लिए कुछ आमदनी का आय का साधन भी उससे बढ़े। शहीद मोहित राठौर के परिजनों से सीएम ने की बात, परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा। अमरोहा में तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर, डिवाइडर पर चढ़ी रोडवेज बस, यात्रियों में मची चीख पुकार। बस में सवार 8 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। बस में 50 से ज्यादा यात्री थे सवार, बस चालक को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। देख सकते हैं किस तरह से बस डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसके बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं घटना में 8 लोग घायल हुए हैं और बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। फतेहपुर में सब इंस्पेक्टर के घर में चोरी, 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी चोरी। घटना के वक्त सो रहे थे इंस्पेक्टर, छत से उतरकर चोरों ने दिया घटना को अंजाम। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। इटावा में डबल डेकर बस और कार में हुई टक्कर, बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी। रायबरेली से दिल्ली जा रही थी डबल डेकर बस, हादसे में बस और कार में सवार 7 यात्रियों की मौत, 1 यात्री गंभीर घायल, 20 से 25 यात्री घायल। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर यात्रियों को निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई।
बस और कार के बीच भीषण भिड़ंत हुई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। वही घटना में बस और कार में सवार 7 यात्रियों की मौत हो गई। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।